और दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह का मानना है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बयान से दिल्ली के लोगों में डर पैदा हुआ। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कोरोना संक्रमण को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन अमित शाह के बयान से आम आदमी पार्टी नाराज हो गई है। याद कीजिए जून में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने क्या बयान दिया था। उन्होंने अंदेशा जताया था कि जुलाई के आखिर तक दिल्ली में 5.5 लाख तक कोरोना के मरीज हो जाएंगे। डेढ़ महीने के अंदर दिल्ली में केसेस की संख्या 5 लाख 5.5 लाख के बीच हो सकती है, तो वो पुराने अनुभव को देखते हुए कह रहे हैं ये केस ज्यादा भी हो सकते हैं, ये केस उससे कम भी रह सकते हैं। इस बयान से लेकर अब तक दिल्ली में 80,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, यानी 1 लाख तक का आंकड़ा भी नहीं पहुंचा है। इन सब के बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सिसोदिया के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि सिसोदिया के बयान से दिल्ली में भय का माहौल पैदा हुआ। जून के दूसरे सप्ताह में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का एक बयान आया। सिसोदिया जी ने बताया कि भाई 31 जुलाई को दिल्ली में 5.5 लाख तक कोरोना के संक्रमित हो जाएंगे, ना जगह बचेगी ना बेड बचेंगे और एक प्रकार से स्थिति खराब होगी। इससे दिल्ली की जनता में बहुत सारा भय हुआ। उनका अनुमान जो था वो आंकड़ों के आधार पर थे, मैं वो अनुमान सच गलत उसमें जाना नहीं चाहता, परंतु एक भय की स्थिति पैदा हुई और कई लोग पलायन की भी सोचने लगे। अमित शाह के बयान के बाद आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बचाव में जुट गए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत बड़ी है और कोई भी एक व्यक्ति या एजेंसी इससे अकेले नहीं निपट सकती है। देखिए, हर सरकार का हर संस्था का अपना आंकलन होता है। जिस प्रकार से इन्फेक्शन रेट गति पकड़ रहा होता है, जिस गति पर केसेस बढ़ रहे होते हैं, उसके हिसाब से सरकारें एक अनुमान लगाती हैं। जैसा कि आपको याद होगा, शुरुआती दिनों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 18 दिन में महाभारत समाप्त हो गई थी, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। उसी प्रकार से 18 दिन में कोरोना भी हिंदुस्तान से वापस चला जाएगा, हम कोरोना को हरा देंगे। 18 दिन में तो नहीं हरा पाए, तो उनका एक आकलन था उस समय के हिसाब से। हमारा एक आकलन था इन्फेक्शन रेट और ग्रोथ ऑफ कोरोना वायरस को देखते हुए एक आकलन था। तो क्या किया है वो तो देखा ही गया, पूरी तरीके से देखा गया क्या किया है। देश ने कितना कष्ट झेला ये किसी से छिपा नहीं है। ट्रेनों में प्रवासी मजदूरों की जान गई भूख प्यास अव्यवस्थाओं के कारण। हजार हजार किलोमीटर पैदल चलते हुए मजदूर मर गया, उसकी जान चली गई। भूख प्यास से मजदूर मर गया, उसकी जान चली गई। तो ये दावे करना झूठ और बेईमानी है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण इस देश के गरीब व्यक्ति ने, मजदूर व्यक्ति ने, आम आदमी ने बहुत कष्ट झेला है। अमित शाह ने दिल्ली को भरोसा दिलाया कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे कम होगी। 3,400 लोग आइडेंटिफाई हो गए, इनके आइसोलेशन के कारण वो फैलाएंगे नहीं। वो जिन जिन को मिले इनके भी हम दूसरे दिन टेस्ट कर रहे हैं। ये पूरी व्यवस्था नीचे तक, वार्ड तक, घर तक करने की व्यवस्था दिल्ली सरकार, भारत सरकार और MCD ने मिलकर करी है। इसके कारण गति निश्चित रूप से कम होगी। मैंने मीटिंग बुलाई, इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री जी भी आए, उप मुख्यमंत्री जी भी आए, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी थे, ये तीनों डॉक्टर भी थे, और बाद में MCD के मेयरों के साथ भी मीटिंग की। इसमें हमने बहुत सारे निर्णय लिए और आज मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ कि 5.5 लाख वाली स्थिति 31 जुलाई तक नहीं आएगी। अमित शाह ने कोरोना की लड़ाई में भारत को आगे बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली में कोरोना को लेकर हालात बिगड़ चुके हैं, 5.5 लाख तक जो है वो मरीज जुलाई तक हो सकते हैं, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा था, जिससे दिल्लीवासी बहुत डरे हुए थे। लेकिन कल आश्वस्त किया अमित शाह ने कि दिल्ली अब सुरक्षित की दिशा में बढ़ रही है, ऐसा कुछ दिल्ली में नहीं होने वाला है। छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लौटते हैं कुछ ही पर। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।